भारतीय क्रिकेट के 2024-25 सीजन की शुरुआत सितंबर में होने जा रही है। भारतीय क्रिकेटर दलीप ट्रॉफी के मुकाबलों से सीजन की शुरुआत करेंगे। बीसीसीआई ने दलीप ट्रॉफी के लिए 4 टीमों का ऐलान कर दिया है। इन टीमों में जहां केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ियों को जगह दी गई है। कई युवा चेहरे भी टीम में शामिल किए गए हैं, लेकिन रिंकू सिंह, संजू सैमसन जैसे 5 ऐसे खिलाड़ियों के नाम इसमें नहीं है जो हाल फिलहाल में टीम इंडिया के सदस्य रह चुके हैं। बीसीसीआई ने दलीप ट्रॉफी के लिए 4 टीमों ए, बी, सी, डी का ऐलान किया है। शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर और अभिमन्यु अलग अलग टीमों की कप्तानी करेंगे। हर टीम में कम से कम 15 सदस्य हैं, यानी कुल 60 खिलाड़ी, लेकिन संजू सैमसन, रिंकू सिंह, पृथ्वी शॉ, रवि बिश्नोई और अभिषेक वर्मा का नाम किसी भी टीम में नहीं है। बीसीसीआई ने किसी भी खिलाड़ी के नहीं चुनने की वजह नहीं बताई है कि वे चोटिल हैं या किसी और कारण से बाहर हैं। रिंकू सिंह ने भारत के लिए 2023 में डेब्यू किया था। उन्हें टीम इंडिया में जो भी मौके मिले उनमें वह उम्मीद पर खरे उतरे। बढ़िया प्रदर्शन के बावजूद रिंकू सिंह को T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिली थी। हालांकि उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया में वापसी की और अच्छा प्रदर्शन किया। संजू सैमसन भारतीय टीम के लिए लंबे समय से खेल रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम में भी संजू शामिल थे। टीम इंडिया से अंदर बाहर होते रहने वाले इस खिलाड़ी को दलीप ट्रॉफी की टीमों में भी जगह नहीं मिली है। संजू सैमसन की तरह पृथ्वी शॉ भी इन टीमों से बाहर हैं। पृथ्वी इस समय इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं। लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को टीम से बाहर रखना भी चौंकाने वाला निर्णय है, जो एक समय दुनिया के नंबर 1 स्पिनर रह चुके हैं। जिम्बाब्वे दौरे पर शतक लगाने वाले अभिषेक शर्मा का नाम देखकर भी क्रिकेट प्रेमी जरूर चौंके होंगे। क्या कर रहे हैं आप? वन मिनट अब सभी प्लेटफॉर्म पे आ गया है। सब्सक्राइब करें और खबरों का आनंद लें।